हेलो गाइस, देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिंग होमोमोर्फिज्म। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप होमोमोर्फिज्म पढ़ा था, और होमोमोर्फिज्म को समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा ग्रुप होमोमोर्फिज्म का वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें होमोमोर्फिज्म को काफ़ी डिटेल में बताया है। तो अब देखिए, जिस तरीके से ग्रुप होमोमोर्फिज्म डिफाइन किया गया था, उसी तरीके से रिंग होमोमोर्फिज्म डिफाइन किया जाता है। ठीक है, क्या है ये? एक मैपिंग है दो रिंग के बीच का। ठीक है, ओके। तो हम लिखेंगे ए मैपिंग, एक मैपिंग ले लेते हैं। ठीक है, मैपिंग बोलिए या फंक्शन बोलिए, ए मैपिंग फाई। ठीक है, फ्रॉम रिंग, एक रिंग मैं ले रहा हूँ आर प्लस इनटू, ठीक है, टू अनदर रिंग। अच्छा, ये दूसरा रिंग भी हो सकता है और सेम रिंग भी हो सकता है। ठीक है, टू अनदर रिंग आर डैश, इसका ऑपरेशन प्लस डैश और इनटू में इनटू डैश। ठीक है, तो मैं एक मैपिंग ले रहा हूँ, कैसा? रिंग आर प्लस इनटू से आर डैश प्लस डैश इनटू डैश में। ठीक है, ओके। तो ये एक जो मैपिंग होगा, ठीक है, ये मैपिंग हमारा क्या कहलाएगा? होमोमोर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, इज सेड टू बी रिंग होमोमोर्फिज्म। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रिंग होमोमोर्फिज्म कहलाएगा। कब? अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करे। ठीक है, इफ इट प्रिजर्व्स टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ आने चाहिए फाई में। नंबर वन, कि फाई ए प्लस बी अगर हम करें तो ये क्या आ जाए? ये आ जाए आपका फाई ए प्लस डैश फाई बी। और नंबर टू ये, कि अगर हम फाई ए इंटू बी करें तो ये क्या आ जाए? ये आ जाए फाई ए इंटू डैश फाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझना है ना, वो आपको समझना है कि देखिए, इधर जो हम लोग ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? प्लस और इंटू। ठीक है, तो जो प्लस और इंटू है, ये यहाँ से लिया गया ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस तरफ जो लिया गया है वो ऑपरेशन पहले रिंग से लिया गया है, और जो आपका ए और बी एलिमेंट है, ये क्या है? ये आपका रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, आर का, ये आर का एलिमेंट है। जबकि इसके करस्पॉन्डिंग में जो फाई ए और फाई बी हम लोग को मिलेगा इमेज, ये किसका एलिमेंट होगा? ये आपका आर डैश का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, फाई ए फाई बी बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक है, तो इधर जो आप ऑपरेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसका प्लस इंटू, और इधर जो ऑपरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि वो चूंकि आर डैश का ऑपरेशन होगा तो प्लस को के जगह पे प्लस डैश लेंगे। ठीक है, और इनटू की जगह पे इनटू डैश लेंगे। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? ठीक है, तो कुछ है नहीं ये, जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, दो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, दो सेट, इधर हमने लिया हुआ है आर और इधर हमने लिया हुआ है आर डैश। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो ऑपरेशन डिफाइन है वो है प्लस और इनटू, और इसके लिए जो डिफाइन है वो है प्लस डैश और इनटू डैश। ठीक है, और ये जो मैपिंग है आपका, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन शो कर रहा है वो है फाई। ठीक है, अच्छा, तो अब देखें कि अगर इसका एलिमेंट मैं ए ले लूँ बी ले लूँ, ठीक है, जो चूंकि ये रिंग है तो ये प्लस में क्लोज्ड होगा, तो ए प्लस बी भी इसी का एलिमेंट होगा, इसी तरीके से ए इंटू बी भी इसी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फाई ए के कोरस्पोंड में इधर जो होगा आपको इमेज मिलेगा फाई ए, ठीक है, फाई बी ये। तो इधर जब हम लोग फाई ए और फाई बी को ऐड करेंगे ना, तो वो इसके एडिशन में, प्लस डैश के एडिशन में होगा, तो फाई ए प्लस डैश फाई बी होगा। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई ए इंटू डैश फाई बी होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशन लिया है वो है यहाँ पे इंटू डैश, और यहाँ पे जो एडिशन लिया है वो है प्लस डैश। ठीक है, तो ए का इमेज क्या होगा? फाई ए होगा अंडर मैपिंग। बी का इमेज क्या होगा? फाई बी होगा, ये तो जनरल सी बात है। ठीक है, लेकिन जब हम ए प्लस बी का इमेज लेंगे, ठीक
ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए ये फाइ ए प्लस डैश फाइ बी। और जब हम ए इंटू बी का इमेज लेंगे अंडर मैपिंग फाइ, तो वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए फाइ ए इंटू डैश फाइ बी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है और इस तरीके का अगर आपको मैपिंग मिलता है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये आर से आर डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रिंग आर से लेकर के रिंग आर डैश में ये आपका कहलाएगा रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे हम लोग, अगर हम लोग रिंग आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करते हैं, ठीक है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है ना, यानी क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म अगर जो आपका है, ठीक है, अगर वो आपका वन वन और ऑन टू है, ठीक है, तो वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ये आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे, ठीक है, ए वन वन ये ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसको हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म का मैंने एग्जांपल वगैरह जो है ग्रुप में दिया हुआ है, वहाँ से आप जे करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। आइए, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, देखिए देखिए क्या है एग्जांपल, एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, कि आपका जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, चूँकि ये एक रिंग है, तो अंडर एडिशन प्लस और मल्टीप्लीकेशन में ये क्या है, डेफिनेटली एक रिंग है। ओके, तो मैंने ये रिंग ले लिया, अब मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ फाई सी टू सी, ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है फाई ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, यानी इसका कंजुगेट है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज़ क्या, कि फाई जेड इज इक्वल टू क्या लिया गया है, जेड का कंजुगेट, जेड बार, ठीक है, जहाँ जेड मेरा क्या है, ए प्लस आयोटा बी है। तो मेरे को ये देखना है कि क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अभी दो प्रॉपर्टी पढ़ा ना, वो दोनों प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और हम अगर हम ये दो एलिमेंट लेते हैं तो हमको शो करना है, एक तो ये कि आपका फाइव जेड वन प्लस जेड टू, फाइव जेड वन प्लस फाइव जेड टू होना चाहिए। अब आप देखें कि चूंकि दोनों तरफ एक ही सेट लिया गया है, तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स सेट है, ये अंडर एडिशन, सिंपल एडिशन, जो यूजुअल एडिशन है, और जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ एडिशन हमारा सेम लगेगा, प्लस प्लस, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन भी हमारा सेम लगेगा। तो ये हमको दोनों चीज़ शो करना पड़ेगा, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आइए, तो अब देखिए, जिसे मैंने जेड वन और जेड टू दो एलिमेंट लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जेड वन को हम लोग ले सकते हैं ए प्लस आयोटा बी, और जेड टू को ले सकते हैं हम लोग सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो फाइव जेड वन क्या हो जाएगा, तो फाइव जेड वन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो डिफाइन किया है वो ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेज क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा, तो जेड वन का कंजुगेट हो जाएगा, तो जेड वन का कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, और फाइव जेड टू क्या हो जाएगा, सी माइनस आयोटा डी। ओके, अब आप पहले फाइव जेड वन प्लस जेड टू निकालिए लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए, ठीक है, जेड वन और जेड टू का वैल्यू डाल देते हैं, डाल देंगे तो क्या, फिर हम लोग रियल को एक साथ लिखते हैं ए प्लस सी, और इमेजिनरी को अलग कर देते हैं आयोटा बी प्लस डी। ठीक है, तो अब इस पे फाइव लगा हुआ है तो इसका इमेज क्या आएगा, तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिला है ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, इसका कंजुगेट तो वो क्या होगा, ए प्लस सी माइनस आयोटा बी प्लस डी। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फाइव जेड वन। ठीक है, क्योंकि फाइव जेड वन क्या है, फाइव जेड वन आपका ए माइनस आयोटा बी है, तो इसको हम फाइव जेड वन लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फाइव जेड टू, तो पहला प्रॉपर्टी तो आपका हिट कर गया। ठीक है, पहला वाला आपका होल्ड कर गया। अच्छा, अब दूसरा वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला के लिए हम लोग फाइव जेड वन इंटू जेड टू निकालेंगे, तो आप जेड वन और जेड टू को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट आ जाएगा, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो अब जो फाइव के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये पूरा है। ठीक है,
तो इसका जो इमेज है, जो मैपिंग है, वो क्या होगा, इसका कंजुगेट। तो प्लस आयोटा को हटा करके माइनस आयोटा डाल देंगे, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि हमको जो इमेज मिलेगा वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट मिलेगा, ठीक है, अंडर मैपिंग फाइव। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़ा इसको अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो अरेंज करके देखेंगे आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी माइनस आयोटा ए डी, ठीक है, और माइनस आयोटा ए बी आई बी को रहने दीजिए कॉमन, सी माइनस आई डी। देखिए आपको ना, आपको जो लाना है उसको आप सिंपली ले सकते हैं। जैसे आपको ये लाना है, ठीक है, 5Z1 × 5Z2, और 5Z1 क्या है, ए माइनस आयोटा बी, और ये क्या है, सी माइनस आयोटा डी। यानी आपको फाइनली ये लाना है, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करना है। ओके, तो मैंने ए सी माइनस आयोटा ए डी को ले लिया, फिर माइनस को मैंने यहाँ पे कॉमन रखा, ठीक है। और इसके बाद जो मुझको लेना है वो है, जो क्या बच गया आपका, बच जाएगा माइनस आयोटा बी सी, और इधर आपका माइनस बी डी, ठीक है। तो मैं आयोटा आई बी को कॉमन ले लेता हूँ। आप इसको खुद से करेंगे भी तो आपका आ जाएगा, ठीक है, इजी वे में आ जाएगा। जो कॉमन लेना है वो आप ले लीजिएगा, तो जो बच जाता है ना उसमें आयोटा बी आपका कॉमन निकल सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से आप ए को कॉमन ले सकते हैं, तो आप फिर देखेंगे कि सी माइनस आयोटा डी आपका दोनों में कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो सी माइनस आयोटा डी को आप एक बार लिखेंगे तो आपका ए माइनस आयोटा बी बच जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका 5Z1 और 5Z2 आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आप सिंपल भी करेंगे तो आपका आ जाएगा, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, प्रॉपर्टी वन भी और प्रॉपर्टी टू भी। तो हमारा फाइव क्या हो गया, देयरफॉर हमारा फाइव जो है वो हो गया हमारा होमोमोर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पे इट इज़ आल्सो आइसोमोर्फिज्म, ये आपका आइसोमोर्फिज्म भी है। कैसे, एज आपका जो फाई है वो वन वन होगा, ठीक है। कैसे वन वन होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो वन वन का क्राइटेरिया आपको मालूम है ना, वन वन का क्या मतलब होता है कि आप जैसे इधर एक आपका मैपिंग है, ठीक है, और इधर आपका एक मैपिंग है, ठीक है। अच्छा, तो होता ये है, वन वन का मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए मेरा जो जेड वन है, ठीक है, ओके, इसका जो इमेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5Z1 ये, और जो Z2 है इसका जो इमेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5Z2। ओके, तो वन वन का मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट के करस्पोंड में हमको एक ही इमेज मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मेरा, सपोज़ कीजिए कि अगर मेरा Z1 और Z2, चूँकि हर एक का यूनिक इमेज मिलना है, तो यूनिक इमेज के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो आपका इमेज इक्वल हो गया, तो ये तभी इक्वल होगा जब करस्पोंडिंग दोनों एलिमेंट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग ये लेते हैं कि अगर 5Z1 और 5Z2 अगर हम इक्वल मान लें दो इमेज को, तो क्या उनका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्री इमेज है, क्या वो भी इक्वल है। अगर ये आ जाएगा तो आपका ये वन वन हो जाता है, ये आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से हम लोग वन वन चेक करने के लिए 5Z1 = 5Z2 ले लेते हैं, ठीक है। 5Z1 मेरा क्या हो जाएगा, 5Z1 मेरा हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ था कि 5Z1 ए माइनस आयोटा बी है, चूँकि Z1 का कंजुगेट यही होता है और 5Z2 हमारा ये है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए जो है वो हमारा सी के इक्वल होगा, ठीक है, और जो बी है एंड बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि यानी ए प्लस आयोटा बी क्या है, सी प्लस आयोटा डी के इक्वल है। चूँकि यहाँ से भी वही बात आ जाता है कि रियल पार्ट आपका ए और सी इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट आपका बी और डी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको क्या दे दिया, ये आपको दे दिया कि यानी Z1 और Z2 भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका मैपिंग था वो क्या है, वन वन है, ठीक है। अब आप देखिए कि चूंकि सेम सेट है ना, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये सेम सेट का मैपिंग होता है, ये क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है। तो एल्सो दिस मैपिंग इज ऑफ सेम सेट, ठीक है, एंड देयर फॉर फाई इज़ वन वन, और फाइव आपका वन वन है और सेम सेट में है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑन टू भी होगा। ओके, अगर सेम सेट में मैपिंग है
और वन वन है तो डेफिनेटली वो क्या होता है, ऑन टू बी होता है, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो फाइ आपका वन वन भी था और ऑन टू भी हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका फाइ है वो क्या हो गया, आइसो मोर्फिज्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक देखिए और एग्जांपल हम वो देखते हैं, शो दैट एग्जांपल है कि एक मैपिंग है आपका फाइ फ्रॉम इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन टू सेट ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो एन। ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो एन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। ठीक है, ये लिया गया है, डिफाइन किया गया है सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलो एन, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी इंटीजर के लिए। ये क्या होगा, ये आइसोमोर्फिज्म होगा, ये हमको दिखाना है। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं, तो आइसोमोर्फिज्म दिखाने के लिए पहले तो हम लोग होमोमोर्फिज्म दिखाएंगे ना, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू जी होगा, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि फाई एक्स प्लस वाई, इधर हम एडिशन कर लेंगे जो इंटीजर में चलता है, और इधर हम लेंगे एडिशन मॉडुलो एन जो मेरा रेसिड्यू मॉडुलो में चलता है। ठीक है, इधर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेंगे, और इधर हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। ठीक है, तो हमको ये दोनों रिलेशन दिखाना पड़ेगा, इसके अलावा हमको ये दिखाना पड़ेगा कि फाई मेरा क्या है, वन वन है। ठीक है, और नंबर फोर ये कि फाई मेरा क्या है, ऑन टू है, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पहला दो प्रॉपर्टी है ये होमोमोर्फिज्म को कंफर्म करता है, और वन वन और ऑन टू मिल जाने से ये क्या हो जाएगा, आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। देखिए क्या है आपका कि फाइ एक्स प्लस वाई पहले अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा एक्स प्लस वाई मॉडुलो एन, क्योंकि आपने डिफाइन कैसा किया है, आपने डिफाइन ऐसे ही किया है कि जो आपका इमेज है एक्स का वो क्या है, एक्स मॉडुलो एन। ठीक है, ये है एक्स मॉड एन है, तो ये एक्स प्लस वाई मॉडुलो एन हो जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स मॉडुलो एन प्लस वाई मॉडुलो एन, और फिर से बाहर में मॉडुलो एन। ओके, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे जो एडिशन है, जब जब हम इस मॉडुलो एन को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स मॉडुलो एन प्लस एडिशन मॉडुलो वाई मॉडुलो एन। ठीक है, ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट चाहें तो ये स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि एक्स प्लस वाई मॉडुलो एन है, तो अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो बीच में एडिशन मॉडुलो एन आ जाएगा। अब ये देखिए एक्स मॉडुलो एन को आप वापस फाइव एक्स लिखिएगा तो ये आपका होल्ड कर गया। इसी तरीके से जब आप एफ एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई मॉडुलो एन को खोलेंगे तो एक्स मॉडुलो एन, और बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, ठीक है, वाई मॉडुलो एन। ठीक है, इस टाइप से, तो फिर आपका ये हो गया, ये जो कि फाइव एक्स है ये आपका फाइव वाई है यहाँ से, तो ये दोनों होल्ड कर जाता रहा, तो इस तरह से फाइव आपका क्या है, होमो मोर्फिज्म है, होमो मोर्फिज्म। ठीक है, अच्छा तो फाइव हमारा होमो मोर्फिज्म है। अब है कि क्या ये वन वन है, तो आप देखिए आप इधर देखेंगे कि डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका वन वन भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेट है, आप इधर देखिए, इधर आपका इंटीजर लिया गया है, ठीक है, और इधर आपका लिया गया है जी 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 एन। ठीक है, सेट ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो एन लिया गया है, ओके, तो अगर हम इसका कोई दो एलिमेंट को आपस में इक्वल ले लें, ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए कि दो इमेज हम इक्वल ले लेते हैं, एक्स मॉडुलो एन इक्वल टू वाई मॉडुलो एन, इसमें से इक्वल ले लेंगे, अगर इक्वल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये तभी इक्वल होगा ना जब आपका क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई होगा, तो हम इसका कोई दो इमेज ले रहे हैं इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, यानी क्या है, यानी आपका ये जो मैपिंग है फाई आपका ये क्या है, ये आपका वन वन है। ठीक है, ये वन वन है, अच्छा अब आप देखिए कि चूँकि ये वन वन मैपिंग है, उसके अलावा आप ये चीज़ देखेंगे कि इसके हर इमेज का प्री इमेज आपको जीमा में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कि जो डिफाइन किया गया है मैपिंग वो क्या है, वो है फाइव एक्स इक्वल इज इक्वल टू एक्स मॉडुलो एन, इस तरीके से आपका फाइव भी क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू भी हो जाएगा, तो ये वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो आपका फाइव क्या हो जाएगा, आइसो मोर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा अब देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि क्या है कि फाइव फ्रॉम आर टू आर, ठीक है,
रियल से रियल लिया गया है मैपिंग, फाई एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये क्या होगा, ये कभी भी रिंग होमोमोर्फिज्म नहीं होगा, नॉट ए रिंग होमोमोर्फिज्म। ठीक है, इसको मैं इधर अलग कर देता हूँ। ओके, देखिए तो ये आपका रिंग होमोमोर्फिज्म नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेटली आप जब देखिए, जब आप दो एलिमेंट का सम लेंगे ना, ठीक है, फाई एक्स प्लस वाई लेंगे, फाई एक्स प्लस वाई, तो ये आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये आप डिफाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, ओके, तो ये रूट एक्स प्लस वाई होगा, तो रूट एक्स प्लस वाई को तो हम लोग अलग अलग नहीं लिख सकते ना, तो यानी कि ये आपका कभी भी फाई एक्स प्लस फाई वाई नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो कि ये फर्स्ट कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका रिंग होमोमोर्फिज्म नहीं है, नॉट एन रिंग, नॉट ए रिंग होमोमोर्फिज्म। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। ओके, आइए देखिए कुछ और भी बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ या कहिए रिजल्ट ऑफ रिंग होमोमोर्फिज्म, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कोई रिंग होमोमोर्फिज्म है R से R डैश, ठीक है, दोनों तरफ रिंग है, तो ये क्या बोल रहा है कि फाई जीरो जीरो डैश होगा। ठीक है, यानी जो जीरो एलिमेंट होता है ना रिंग का, ठीक है, वो क्या होता है, दूसरे रिंग के जीरो एलिमेंट को मैप करता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैप्स, ठीक है, टू आइडेंटिटी, यानी एक रिंग का जो आइडेंटिटी है वो दूसरे रिंग के आइडेंटिटी को मैप करता है, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, जीरो ऑफ आर मैप्स टू जीरो ऑफ आर डैश, क्लियर है। ठीक है, तो पहला ये है, दूसरा ये है कि इफ फाई माइनस ए करेंगे, तो माइनस ए क्या है, आर के एलिमेंट ए का एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो ये माइनस फाई ए आ जाएगा, और माइनस फाई ए क्या है, तो माइनस फाई ए जो है वो आर डैश के फाई ए का एडिटिव इन्वर्स है। तो यहां से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स, ठीक है, मैप्स टू, मैप्स टू एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ओके, यानी जीरो जीरो को मैप करता है और एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स को मैप करता है। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी है आपका कि फाई ए माइनस बी इक्वल टू आप करेंगे तो फाई ए माइनस फाई बी आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत काम का चीज़ है मेरा, इसलिए कि आपको पता है कि सबरिंग प्रूफ करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ता है कि दो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो भी उसी में होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया हम लोगों को मिलता है कि अगर हमको रिंग होमोमोर्फिज्म को सबरिंग प्रूफ करना होगा, ठीक है, या आइडियल प्रूफ करना होगा, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, एज टू प्रूफ सबरिंग एंड आइडियल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आइए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर वन, नंबर वन का प्रूफ कैसे करेंगे, फाई जीरो को आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो। ठीक है, ये मैंने काफ़ी रिंग में आपको डिटेल से बताया हुआ है कि जीरो आपका जीरो प्लस जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, अच्छा, फिर इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, फाई जीरो प्लस फाई जीरो कर सकते हैं, चूँकि आपका फाई क्या है, रिंग होमोमोर्फिज्म है, शॉर्ट में लिखा हुआ है रिंग होमो। ठीक है, यानी रिंग होमोमोर्फिज्म है, तो रिंग होमोमोर्फिज्म है तो ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए फाई जीरो जो है मेरा वो डेफिनेटली क्या है, आर डैश का एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, और ये देखिए चूँकि आप मतलब यहाँ पे आपका एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए ना कि आप मैपिंग की जब बात करते हैं तो देखिए आपके पास मैपिंग किस तरह का है, इस तरह का मैपिंग आपके पास है। ठीक है, इधर आपने लिया हुआ है R, और इधर आपने क्या लिया हुआ है, R डैश। ठीक है, और जो मैपिंग है हमारा वो क्या है, वो है फाई, क्लियर। तो जो जैसे फाई जीरो, तो जीरो का जो इमेज है वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पे फाई जीरो कहलाएगा। ठीक है, ओके, तो फाई जीरो मेरा R डैश का एलिमेंट हुआ। तो अगर हम जैसे अगर हमको जीरो में ऐड करना हुआ, सब देखिए, तो जीरो में जब जीरो को ऐड करेंगे तो ये क्लोज्ड होगा आर में। ठीक है, ओके, लेकिन मेरे आर डैश के पास जो जीरो एलिमेंट है वो कौन है, वो है आपके पास जीरो डैश। ठीक है, तो फाई जीरो में हमको जीरो डैश ऐड करना पड़ेगा, याद रखिएगा,
इसमें आपका चूंकि जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो है, तो जीरो में जीरो ऐड करिए तो जीरो, लेकिन यहाँ पे मेरा जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो डैश है, ठीक है, तो हम 50 में जीरो डैश ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि 50 क्या है आपका, आर डैश का एलिमेंट है, ठीक है, और जीरो डैश जो है आर डैश का क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 50 प्लस जीरो डैश को लिख सकते हैं 50 प्लस 50, ठीक है, ओके, ये बात समझने वाली है। देयरफॉर तो अब आप देखिए कि हमारा क्या आया था, हमारा इधर आया था 50, ठीक है, तो 50 में मैंने क्या ऐड कर दिया, जीरो डैश, ठीक है, चूँकि 50 में जीरो डैश ऐड कर सकते हैं तो ये क्लोज्ड होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 50 के, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड या आपका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जीरो डैश ऐड कर दिया, चूँकि जीरो डैश आर डैश का एलिमेंट है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब आपको पता है कि एडिशन में जो कैंसिलेशन लॉ है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बाय कैंसिलेशन लॉ इन एडिशन हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरा 50 क्या आ जाएगा, जीरो डैश आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है, जिस तरह से रिंग में आप प्रॉपर्टी काफ़ी ध्यान से प्रूफ करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पे भी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर टू के लिए आइए हम लोग फाई ए और प्लस फाई माइनस ए लेके चलते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं, ओके, तो यहाँ से ए प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाई वन, ठीक है, बाई वन इसलिए लिखा गया है कि वन में हम लोगों ने देखा है कि जीरो क्या है, जीरो जीरो को मैप करता है, ठीक है, ओके, तो ए प्लस माइनस ए को आपने जीरो लिख दिया क्योंकि रिंग में ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है। अब फाई जीरो क्या है, जीरो डैश है, ये आप देख लीजिए। तब आप देखिए फाई ए आपका इधर का इमेज आर डैश का इमेज है, फाई माइनस ए भी आपका आर डैश का एलिमेंट है, तो इन दोनों का सम क्या है, जीरो डैश आया है, ठीक है, और यही आना चाहिए क्योंकि इस तरफ जब आप काम करेंगे तो आपका इस तरफ का जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो डैश है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर द रिंग आर डैश, ठीक है, फाई ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ फाई माइनस ए, ठीक है, फाई ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ फाई माइनस ए बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर डैश, ठीक है, ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि फाई माइनस ए इसका मतलब क्या होगा, माइनस फाई ए के बराबर होगा, इसलिए कि एडिटिव इनवर्स का यही मतलब होता है ना कि आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो जीरो डैश आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए ऐड करने से जीरो डैश आ जा रहा है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड वाला तो थोड़ा सा सिंपल है, थर्ड वाला प्रॉपर्टी अगर आप प्रूफ करेंगे तो फाई ए माइनस बी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फाई ए प्लस माइनस बी, ओके। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि फाई माइनस बी को हम में हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपका फाई ए प्लस फाइनस फाई माइनस बी लिखाएगा, क्योंकि फाई आपका क्या है, होमोमोर्फिज्म है, फाई इज होमोमोर्फिज्म, ठीक है। अब फाई माइनस बी क्या है मेरा, उसमें से माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं बाई यूजिंग प्रॉपर्टी टू, जो हमने अभी टू में यहाँ पे प्रूफ किया है, तो आपका ये भी रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप कर लें, ठीक है, फिर इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।